भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। आइए सुनते हैं आज की कहानी दो तोते। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक शिकारी रहा करता था। वो जंगल से चिड़ियों को पकड़कर लाता था और कस्बे में जाकर उन्हें बेच दिया करता था। उसे जो कुछ भी मिलता उसे अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था, उसे एक पेड़ के कोटर में तोते के दो बच्चे खिलते हुए दिखाई दिए। उसने तोते के उन बच्चों को पकड़ लिया और अगले दिन नगर में बेच दिया। एक बच्चा एक चोर ने खरीद लिया और एक बच्चा किसी सज्जन आदमी ने। तोते के बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, उन्होंने बोलना भी सीख लिया। एक दिन नगर में राजा घूमने आया। जैसे ही राजा चोर के घर के पास से आया तो तोता जोर जोर से बोलने लगा, शिकार आया है, लूट लो, बच के न जाने पाए। राजा आगे बढ़ गया, उसे आगे उस सज्जन का घर मिला। जैसे ही तोते ने राजा को देखा तो बोल पड़ा, नमस्ते जी, आपका स्वागत है, आप थक गए होंगे, बैठिए, चाय पानी पीकर जाएं। राजा दोनों की बात सुनकर हैरान थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आगे जाने पर राजा को वही शिकारी मिल गया। राजा ने शिकारी को बुलाकर पूछा कि दोनों तोते एक समान है पर दोनों की भाषा में इतना फर्क क्यों है। बहेली ने बताया कि ये सब संगत का असर है। एक तोते का मालिक चोर है जो उसके घर में होता है, वो तोते ने सीख लिया, और दूसरे तोते का मालिक एक सज्जन आदमी है जो उसके घर में होता है, वो उसके तोते ने सीख लिया है। जीवन सुधरेगा प्राणी होगा।